स्टार्ट हुआ था सेशन 24 जून से, बाकी ये 23 जून का है, आज यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये अभी टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम के अभी चार्ट चल रहा है, और ये देख सकते हैं मार्केट ने कल जहाँ पे बंद किया था बिल्कुल वहीं से स्टार्ट हुआ है। देखो पहले अपन यहां पे बैड पॉइंट्स करा देते हैं, गुड पॉइंट्स देखते हैं। अपन गाइस ये मैंने यहां पे पिवट पॉइंट सेट कर दिए हैं। पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे ये आपको दिख रहा है ये अपन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं। अपन इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं, अपन आपको देखो देख सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे के अंदर क्या होता है, सेम डे परचेज होता है और सेम डे उसको सेल कर देता है, इसलिए इंट्राडे कहलाता है। अपन आज फर्स्ट टाइम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम किया है, सो गाइस अगर कोई मिस्टेक होती है कोई और आज थोड़ा ऑडियो का भी इशू होगा इसमें, बट कोई नहीं मैं इसे थोड़ा सही कर लूंगा। मैं अभी अपन फोकस इस पे करना है कि ये आज का अपन को ये सपोर्ट दिखा रहा है, ये यहाँ पर सीपीआर है और ये अपन को रेजिस्टेंस दिखा रहा है, मतलब ये लेवल्स है मार्केट के, ये लेवल्स है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो यहाँ पर जाने के बाद डाउन आ सकता है, अगर आर टू तक जाता है ये रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ तक जाता है तो वो एक बार फिर से नीचे जा सकता है, और ये थर्ड रेजिस्टेंस है यानी फाइनली अगर यहाँ तक पहुँच गया तो चांसेस होते हैं कि यहाँ से डाउन आएगा। बिल्कुल ठीक वैसे इनसे ये नीचे इसके सपोर्ट है, यानी मार्केट को क्या होता है जब मार्केट नीचे की साइड आ रहा होता है तो यहाँ पर उसको सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ बायर्स होते हैं और यहाँ सेलर होते हैं, तो नीचे की साइड आएगा तो यहाँ सपोर्ट मिल जाएगा इस लेवल पे। और जो S2 दिख रहा है यहाँ पे जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा तो ये सेकेंड सपोर्ट है और ये एक थर्ड का थर्ड सपोर्ट है। अब देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है और मैं ये लगा लेता हूँ उसके अंदर, ये तो हो गया बेसिक्स। अभी देखो गाइस अगर आपको देखो मैं बिल्कुल मैं जीरो से लेकर नहीं चल रहा हूँ, आपको बेसिक्स अगर नॉलेज चाहिए तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक जीरो से नहीं चल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक जो रेड कैंडल ये जो ब्लू कैंडल दिख रही है आपको इन्हें भी समझना पड़ता है। यहाँ पर जो रेड कैंडल है ये अपन को सेलिंग दिखाती है और ये जो ब्लू कैंडल है ये अपन को बाइंग दिखाती है, यानी ब्लू कैंडल जितनी बनेगी इसका मतलब मार्केट अप जा रहा है, जो प्राइस है वो ऊपर की साइड गेन हो रहा है, और जो ये रेड कैंडल बन रही है इसका मतलब मार्केट इज गोइंग डाउन, मार्केट डाउन साइड जा रहा है। तो अभी फिलहाल मार्केट में एक और ये जो कैंडल है ये इसका अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, यानी ये जो एक कैंडल है ये पूरे 5 मिनट के, यहाँ से देख सकते हैं ये 5 मिनट है तो ये पूरे 5 मिनट के एक कैंडल है, अगर मैं इसको चेंज करूँ यहाँ से तो ये 15 मिनट का करने से करूँ आज कोई, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ आपको ही समझाऊंगा बताऊंगा निफ्टी निफ्टी का चार्ट दिख रहा है
मार्केट सुबह 9:30 बजे ओपन हो जाता है और 3:30 बजे तक मार्केट चलता है इसमें। तो अभी तुम वापस से 5 मिनट्स की कैंडल पे काम करेंगे क्योंकि जो इंट्राडे होता है उसको 5 मिनट और 15 मिनट्स बेस्ट होता है उसके लिए। लॉन्ग टर्म पोजिशन के लिए अगर वो करता है तो उसके लिए 1 डे या फिर 1 वीक का चार्ट बेस्ट होता है। तो वापस से 5 मिनट की कैंडल पे चलते हैं। अब देखो यहाँ से मार्केट अभी चल रहा है 15,738 के आसपास चल रहा है, तो ये मार्केट के लेवल से अलग है। और अभी तक मार्केट का जो टॉप हाई है वो यहाँ का है, जैसे यहाँ का अगर आपको कोई ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता इतना समझ लीजिए कि जो रेड कैंडल होती है ये सेलिंग को दर्शाती है। अगर ये रेड कैंडल बनती है इसमें इसका मतलब मार्केट डाउन साइड जा रहा है एंड जो प्राइस है वो नीचे गिर रहा है, और ये ब्लू कैंडल बनती है इसका मतलब मार्केट अप साइड जा रहे हैं बाइंग हो रही है मार्केट में। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप समझ में आएंगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए, देखिए मैंने जो चार्ट खोल रखा है ये फ्यूचर्स का चार्ट है, और वैसे अगर देखा जाए तो निफ्टी 15,452 के आसपास चल रहा है, लेकिन मैंने फ्यूचर्स का ऑप्शन फ्यूचर्स का चार्ट खोल रखा है। तो देखिए अपन यहाँ से अगर ये इसमें 1 मिनट का मैं चल जाएगा आपको मार्केट अभी इसके बिल्कुल नीचे ही है, तो अपन थोड़ा वेट करेंगे इसके लिए। बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का मैं एक वीडियो बना रहा हूँ लाइव मार्केट में, आपको बता सकता हूँ कैसे होता है क्या होता है ये सब चीज़ें, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये है कि फिबोनाची पॉइंट्स हैं, पिवट पॉइंट्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा काम आएंगे अगर आप ट्रेड करते हैं। तो देखिए मार्केट ने पहला 5 मिनट में क्या किया, पहले 5 मिनट का एनालिसिस करते हैं, तो पहले 5 मिनट के अंदर ओपन हुआ और एक रेड कैंडल बना दी। ठीक है, अब इसे अपन इस रेड कैंडल पे लेके आएंगे, इस रेड कैंडल पे अगर लेके आएंगे ये आज की फर्स्ट कैंडल है। सवाल आप टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई और इसके बाद मार्केट में आपको इस कैंडल का पूरी मतलब ओपन और लो, इसका क्लोजिंग और ओपनिंग सब यहाँ पे दिखाते हैं। इस जगह देखना का ओपनिंग है 15,722 पे और ये क्लोज कहाँ पे हुआ है 15,722 पे, और इसका डिग्री इसका हाईएस्ट और लोवेस्ट देखिए हाईएस्ट कितना है 736 और ये 686, तो ये इसका हाईएस्ट और लोवेस्ट है। ठीक है, इसका मतलब इसमें सेलर्स ज़्यादा थे, फिर एक रेड कैंडल बनी, इसका मतलब मार्केट को सेलर्स ज़्यादा थे। उसके बाद साइड में यहाँ से बाइंग हुई है, उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल है वो बनने जा रही है। अभी 4 मिनट का समय है, तो फाइनली तो कुछ कह नहीं सकते कि कैंडल है ये फाइनली क्या बनेगी, रेड भी बन सकती है और ये ब्लू भी बन सकती है। ठीक है, अभी ये जो चार्ट में आपको देखिए पूरा देखिए निफ्टी 50 का डाटा, निफ्टी 50 क्या होता है, निफ्टी 50 अपने इंडिया की टॉप जो 50 कंपनियाँ हैं मिलके बना होता है ना, जिसके अंदर सारी जो बड़ी बड़ी टाटा है रिलायंस है ये सब टॉप 50 कंपनीज आती हैं जिससे मिलके बना होता है। अगर इन सब कंपनियों में से किसी एक में भी अगर उतार चढ़ाव आता है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट निफ्टी 50 में पड़ता है। अगर सपोज अभी 2 दिन पहले रिलायंस में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी तो उसका सीधा इफेक्ट निफ्टी में 50 में पड़ता है, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा बाइंग आई थी। देखें आप ये वाला जो ये यहाँ से यहाँ तक गैर मार्केट के एक ही दिन के अंदर यहाँ ये 1500
पड़ता है। आज का देख लेते हैं मार्केट, आज यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड जा रहा है। तो मैं यहाँ लगा आज के स्टूडियो में मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए, सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए। आप देखिए समझिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। साइड में आप कुछ जब की साइड में सब क्या लगा रखी है, तो ये आगे की चीज़ें धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम पहले आप हो जाएगा, तब भी आपको डायरेक्ट पैसा से स्टार्ट नहीं करना है, ट्रेडिंग करनी है, आप
रिटर्न्स पढ़नी है इसकी, उसके बाद ही आपको उसका मार्केट में उतरना है अपना फुल कैपिटल लेके। जब अपन जैसे रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस में देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया, बताया था भी आपको कि रिलायंस ने किस तरीके से अफोर्ड आया था एक यहाँ देखिए ये वाला था अभी हाई समय का हाई समय के दिन देखिए कितना भयंकर तरीके से मार्केट है वो गया था, कितनी तेजी हुई थी मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली, इसने कंटिन्यूसली है ये ऊपर जाते जा रहे बिल्कुल इसमें रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे नहीं दिया, वरना मार्केट ही क्या होता है, मार्केट की स्ट्रेटजी मार्केट पहले ऐसे जाता है फिर ऐसे आएगा तो इस तरीके से मार्केट अपसाइड जाता है, बट इसने सब कुछ भी नहीं किया। ये जब क्या होता है, ये जब ये न्यूज़ आई थी, ये न्यूज़ की वजह से मार्केट इतना कंटिन्यूसली अपसाइड गया। टाटा का भी यहाँ पे देख सकते हैं, टाटा मोटर्स हर एक कंपनी का शेयर मिल जाएगा आपको, शेयर मार्केट है यहाँ पे 5000 से ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। देखो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें सीखने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको अगर कुछ भी नहीं पता है क्या हो रही है क्या चल रहा है स्क्रीन पे, तो इतना कुछ सीखने की क्या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपन बिल्कुल बेसिक्स से चलेंगे ना, बिल्कुल जीरो से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से। तो अभी अपन इसमें निफ्टी कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी है ना, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं, इसलिए आप सोच रहे होंगे बार बार नहीं क्या है दोनों मेरे फेवरेट है यार, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो मैं इसे रेफर करता हूँ, ओके। देखो कैंडल्स के ना अलग अलग टाइप की होती है, ये दिख रहा होगा ना आपने, आप समझ में आ रहा होगा कि क्या है, कि कैंडल्स होती है ये भी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे आके इसमें बंद किया, ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल क्या होता है, यहाँ पे इसका इसने हाई बनाया, यहाँ पे इसका लो बनाया, ठीक है, और ये यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, यहाँ से बना जो बेयरिश थे मार्केट में, दो टाइप के लोग होते हैं, जो बेयरिश होते हैं इसको जो सेल करते हैं और जो बाई करते हैं, सेल करने वाले थे सेलर्स थे तो मार्केट को नीचे की साइड ले जाते हैं, नीचे तो उन्होंने यहाँ पर ले, लेकिन जो बायर्स थे अपने
मार्केट को यहाँ तक ऊपर लेकर गए। फाइनली 5 मिनट के कंफ्यूजन में ये निकला कि ये तो बायर्स थे जिसने मार्केट ऊपर की साइड धकेला और ये सेलर्स थे जिसने मार्केट को नीचे की साइड धकेला। तो ओवरऑल जो कंफ्यूजन बना 5 मिनट्स में वो ये रेड कैंडल बनती है कि हाँ इसमें जो सेलर्स थे वो हावी हुए हैं बायर्स पे। उसके बाद सेम बिल्कुल ऐसे ही और उसके बाद ही आप कंटिन्यू देख सकते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना कंटिन्यूसली उनके लिए चीजें ना बड़ी आसान हो जाती है। लाइव स्ट्रीम में कैसे जाते हैं यार, शेयर कर देना वीडियो को शेयर कर दे रहा है। लेकिन जब इसमें ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा था तो नहीं कर सकता था मैं वापस आ गया नेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद आगे बात करेंगे कैसे क्या काम करना है, क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए सीखने जरूरी है ना। नेक्स्ट स्ट्रीम में अपन देखेंगे। फिलहाल अगर आपको ऊपर तो आप कैंडल्स के बारे में